बोलो बोलो। चंदा पंजाब कैप्टन की सरकार, चंदा पंजाब कैप्टन की सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं 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 शॉट मार, नहीं नहीं शॉट मार दो। एक बार विक्टरी का निशान बना लो, विक्टरी बना लो। पंजाब का भारी नुकसान होगा। ये जिहड़ा लुधियाना है, ये हिंदुस्तान के मानचेस्टर कहा जाता है। इत्थे लुधियाना दे विच तमाम हिंदुस्तान के लोग इंडस्ट्री के नाल जुड़े हुए हैं, सारे दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, बाहरली फॉरन कंट्री के जो कई वायर आते हैं, कई बाहरलियां होर स्टेटा के वायर आते हैं, उन्होंने दहशत पैन के नाल साडा बिजनेस भी सारा चौपट हो जाना है। इस करके सरकार नूं मैं बेनती करदा, ये जिहड़े काम है इन्हां तकड़े होकर नत्थ पाओ, नहीं तो जिते लोगों का जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, उत्थे इंडस्ट्री ट्रेड भी तबाह हो जाएगी। अज जो भी हिंदुस्तान जो भी प्रोडक्ट जाते हैं लुधियाना तो बन के जाते हैं, सारी दुनिया च हौजरी जाती है, साइकिल जाता है, स्विंग मशीन जाती है, आटो पार्ट्स जाता है, दुनिया भर की इंडस्ट्री साढ़े लुधियाने च है। अगर यह जी दुर्घटना होंगे रही तो बाहरों कोई भी वायर नहीं आना, लोकल स्टेट का कोई वायर नहीं आना, बाहर की कंट्री का कोई वायर नहीं आना, साढ़े तो उरे भुखमरी फैल जाएगी। अभी यही हालात पहला 25 साल पहला देखे थे, अज तक नहीं उठे असी। अज जो पंजाब साडा पिछड़िया 16वें नंबर पर आया है, उसकी ही मार झेलते हैं जो अतवाद असी झेलिया। अज असी बेनती करते हैं भी ये सरकार नूं सियासत तो उत्ते उठ के लोगों के माल से जान की राखी करनी चाहिए है। इलैक्शन होंदे रहेंगे, इलैक्शन आते रहेंगे, इलैक्शन जाते रहेंगे। ये जिहड़े विदेशे बेचारे बेकसूर लोग ये जिहड़े मारे जा रहे, इन्हां दे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हां नूं कौन परवरिश करेगा, कौन पालेगा इन्हां नूं? अज जिन्हां ने अतवाद झेलिया, अज भी वो बेचारों के रोटी के संधे पाए हैं, अज भी उन्होंने रोटी का जुगाड़ नहीं बनया। ये आने वाले टाइम से किधर नूं पंजाब नूं लिजा रहे हैं। ये कृपा करके चन्नी साहब ये सारिया गल्लां छड्ड के सिर्फ पंजाब बचाने की कोशिश करो। अगर पंजाब बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, पंजाब नहीं बचेगा हिंदुस्तान का कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हिंदुस्तान लुधियाने के नाल अटैच है, हिंदुस्तान पंजाब की इंडस्ट्री नाल जुड़िया हुआ है, हिंदुस्तान के व्यापार सारी दुनिया नाल जुड़े हुए हैं। अगर इत्थे लॉस होया तो सारिया स्टेटा का लॉस होएगा, सारी कंट्रिया का जो साड़ी अटैचमेंट है व्यापार के संबंध हुए हैं वो सारे साडे संबंध टुटनगे, साडा लॉस हैगा, असी मुड़ के निकल नहीं सकांगे इस मंदे के दौर चो, क्योंकि बहुत भयंकर मंदे के दौर च पंजाब गुजरिया है। कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया, साडे पंजाब ते जो विपता आई है, परमात्मा अगे दुआ करदा सच्चे पातशाह जी इन्हां नूं सनमत बख्शो, जिहड़े पासे तुरे हुए हैं इन्हां नूं बुद्धि दिओ भी क्यों लोगों का नजायज़ नुकसान करदे हो, क्यों छोटे छोटे बच्चे रोल रहे हैं, मरन वाला तां मर गया, जिहड़े उहदे पिछे छोटे छोटे 5-5, 7 साल के बच्चे है उन्हां दा रोटी दा कौन देखेगा। कृपा करके चन्नी साहब सारा कुछ छड्ड के इधर ध्यान दिओ। बस सरकार तां कांग्रेस दी चेहरा बदलिया ना, चेहरा बदलिया, इहदा निर्माता कौन है, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ 17 ਚ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਜੀ ਵੇਲੇ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਉਦੋਂ 12 ਕਿ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਮ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਵੈ, RDX ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ
तो 10 सैकेंड बाद मेरे उस कोर्ट तो निकलने बाद बंब फटिया, बिल्कुल धुआं हो गया। तुम भी सारे उतों आ रहे हो भरा, और हूँ तक 1.5 घंटे बाद भी उत्थे इन्नी बदबू आ रही थी पटाश की, तो धुआं इन्ना हो रहा 1.5 घंटे बाद भी सीगा। ये उही कैप्टन साहब ने जिन्ह ने सब तो पहले जाके अजीत डोवाल नू ते सेंटर दे मंत्रियों नू मिलके होम मिनिस्टर नू मिलके ये गल कही सी कि पंजाब बहुत माड़े दौर च जा रहा है, ड्रोन डेली फड़े जा रहे हैं, डेली असला आ रहा, बंब आ रहे हैं, इनू रोकया जाए। कैप्टन साहब का सदा यही मिशन रहा वै कि सेंटर के नाल रल के स्टेट के बेनीफिट लई हर वो कदम चुकया जाए, चाहे वह कांग्रेस च सीगे चाहे वह हुण PLC दे हैड ने। कैप्टन साहब ने स्टेट के फायदे लई हर उस बंदे नाल जुड़ना वै, हर उस बंदे नाल जुड़ के रहे ने। अज तुसीं देखिया जिहड़ा बंब फटिया कोर्ट वर्गी जगह के उत्ते बंब फटना, जिथे 50 तो 70 जज, उस तो बाद पुलिस का हर वड्डा अफसर पेशी भुगतान लई, हर वड्डे डिपार्टमेंट का अफसर पेशी भुगतान लई आंदा वै, 4000 वकील, हज़ारां लिटीगेंट उत्थे आते हैं, उत्थे बंब फट जाना। और जिथे एक पुलिस कहती है कि बाहर दरवाजे के उत्ते मैटल डिटेक्टर लगे ने, तुसीं सोचो उस तो सेफ जगह कि हो सकती है। अगर अज कैप्टन साहब BJP नाल जुड़ रहे ने, BJP का भी उही मिशन रहा शुरू तो, जे तुसीं मिशन देखो पंजाब दे अगेंस्ट कदे BJP नहीं रही। अज कैप्टन साहब ने अनाउंस किया सीगा जे फार्मर हल हुंदा मैं BJP नाल जाऊँगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। फार्मर एजिटेशन तुसीं देखिया 1 साल चलिया, ठीक है कुछ मंत्रियों ने, और तुसीं एक चीज़ नोट करियो पंजाब दे विच किसे BJP दे MLA MP ने उहदे ते साइन नहीं किते, सिर्फ साइन होए ने सुखबीर बादल दी घरवाली दे। और सुखबीर बादल चंडीगढ़ दे विच और बाकी जगह दे कॉन्फ्रेंस करके करदा कहिंदा रहा कि पंजाब दे लई उह तीनों जिहड़े बिल लिआंदे गए सी बहुत फायदेमंद ने। तुसीं एक चीज़ देखो रिप्रजेंटेशन हुंदी है हर जगह दी, पंजाब दी रिप्रजेंटेशन BJP दे कोलों अकाली दल दी सी उस वेले, अकाली दल दे MP MLA नू मोहरे किया गया सी वी तुसीं दसो फार्मर दे की व्यूज़ ने, फार्मर की चाहता इन्हां बिलों लई। उन्होंने मिसगाइड किया BJP दे हायर लीडरस नू, उस टीम नू उन्होंने कहा हाँ जी आ बिल लियाओ ये साडे पंजाब दे फायदे लई आ, उस वेले कैप्टन साहब नहीं सीगे, उन्होंने फायदे गिनाउण तों बाद BJP वो बिल लियाई। वह बिलों ने कि साडे जिला प्रधान श्री जगमोहन शर्मा जी ने दस्या कि पंजाब दे विच पिछले कई सालों तो साढ़े पहला भी असी अतवाद हंडा चुके हाँ, साड़ी जवानी पंजाब दे अतवाद ने खा ली, अगों साढ़े बच्चों की जवानी नशे ने खा ली, अज फिर तो वो साजिश साड़ी नवी पीढ़ी लिए तैयार की जा रही है। मैं सोनिया गांधी नू, राहुल गांधी नू, प्रियंका गांधी नू एक सवाल करना चाहता वा कि तुसी नवजोत सिंह सिद्धू ने पुछो